हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है हाईवे की चाय वाली चुड़ैल। तो कहानी हमारी शुरू होती है मुंबई के बांद्रा से। बांद्रा में एक खिलौने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उनके बड़े बड़े शोरूम हैं और वो बहुत जो सेठ हैं खिलौने की फैक्ट्री वाले, वो बाहर लोड करके भेजते हैं। ऑर्डर उनको जो मिलता है तो बाहर जगहों पर भेजते हैं, जहाँ भी का उनको ऑर्डर मिले। उनके कई एक ट्रक भी चलते हैं, तो ट्रक ड्राइवर भी हैं, बहुत सारे लेबर भी हैं, फैक्ट्री ही है तो बहुत सारे उनके पास लेबर पर्सन हैं, तो जो कि माल को ले जाते हैं और लोड करते हैं, लाते हैं, अनलोड कर वहाँ से माल पहुँचा करके लेके आते हैं। एक बार उनको एक इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है कि सारे ट्रक तो उनके लोड हो चुके हैं, जा चुके जहाँ जाने थे, और उनको जब सब ट्रक लोड हो जाते हैं, सारे ड्राइवर निकल लेते हैं, उसके बाद उनको वो ऑर्डर मिलता है। और ऑर्डर भी ऐसे बंदे का मिलता है, दिल्ली के बहुत बड़े हैं अमीर आदमी, जो कि उनको समय समय पर ऑर्डर देते रहे, वो अपने क्लाइंट को छोड़ना भी नहीं चाहते। सेठ जी बड़ा परेशान, ये ट्रक एक ट्रक उन्होंने माल मंगवाया है, हमारे खिलौने जो है लोड होने हैं, वहाँ जाने हैं, और अगर हमें समय से नहीं पहुँचाएंगे तो हमारा ये ऑर्डर अगर कैंसिल होगा तो हमारा क्लाइंट चला जाएगा। वो बड़े अफसोस में बैठे अपने कई एक मित्रों को फ़ोन करते हैं कि भाई मेरी हेल्प कर दो कोई तुम्हारे पास, जैसे उनकी जो वो फैक्ट्री थी वैसे अन्य लोगों के पास किसी और चीज़ों की फैक्ट्री थी, तो वो उनसे मदद मांगते हैं कि भाई कोई एक ड्राइवर और क्लीनर जो भी है साथ में रहने के लिए, एक सपोर्टर उसका, और ट्रक भिजवा दो ताकि जो है माल अपना भेज सके। माल जाना था दिल्ली और उनको सुबह के सुबह उनको चाहिए था ताकि वो जो उनके जो जहाँ सप्लाई होती थी वहाँ वो भेज सके। तो बिजनेस तो भाई ऐसे ही चलता है। तो इस तरीके से वो बहुत मतलब हाथ पैर मारे कि कोई मिल जाए कोई मिल जाए। खैर उनका एक बचपन का मित्र था, तो उनकी फैक्ट्री में एक जो ड्राइवर था वो उनको मिला। वो ड्राइवर पहले इन्हीं के यहाँ, इन्हीं सेठ जी के वहाँ काम करता था, तो उससे जब उन्होंने कहा कि भैया अगर तुम जा सकते हो तो चले जाओ, तो वो हरी और एक का नाम था किशन, दोनों थे भाई भाई, तो दोनों तैयार तो होते हैं, लेकिन कहते सेठ जी मैं दो रातों से सोया नहीं हूँ, मुझे को नींद आ रही है, मेरे को आज सोना है। तो कहने कि नहीं थोड़ा जग लो, बाकी ड्राइवर सब जा चुके हैं, हम सिर्फ तुम्ही पे भरोसा कर सकते हैं, तुम्ही वहाँ पहुँचा दोगे, क्योंकि वो ड्राइवर इतना भरोसेमंद था। अगर वो कहता कि सुबह को 4 बजे तुम्हें ये चीज़ मिलेगी तो मतलब मिलेगी, वो अपने वादे का इतना पक्का था कि अगर किसी को कह देता था ये काम करना है तो करके देता था। इसलिए कहा था नहीं हरी तुम ही जाओगे और साथ में अपने भाई किशन को भी लेते जाओ और ट्रक तुम्हारा जो है हम लोड करवा देंगे। तो वो थोड़ी सी ना नुकुर करते हुए वो राजी हो जाता, खैर चलो चले जाएंगे। तो हरी जो है वहाँ पहुँचा जाके फैक्ट्री, तो देखता क्या उसका ट्रक तो पहले से लोड करा के रखा हुआ। तो सेठ जी बोले हंसते हुए बोले अरे हरी हम जानते थे कि तुम आ जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा ट्रक जो है पहले से ही लोड करवा दिया था। जाता है उनको प्रणाम करता क्योंकि उनको पिता जैसा वो मानता है और वो भी उसको बेटे जैसा ही स्नेह देते हैं। दोनों लड़के जो हैं ट्रक ले करके चल देते हैं। तो बाहर आते हैं सेठ जी और हरी से कहते हरी बेटा तुम अपना ध्यान रखना, तुम थोड़ा जो है बेटा जब तुम वापिस आओगे तो तुमको जो तुम चाहोगे वो तुम्हारी हम इच्छा पूरी करेंगे। इस तरह से उसको पुत्रवत स्नेह देते हैं और उसको रवाना कर देते हैं। वहाँ से दोनों ट्रक में बैठ के चले जाते हैं और वो सेठ जी भी बाहर उसको बाय बाय करके निकल लेते, वो भी चले जाते हैं अंदर। खैर वो दोनों चल देते हैं और हरी जो है सेठ जी को देख करके उसको भी एक ऐसी याद रहती है कि तो देखो हमको कितना सेठ जी मानते हैं। तो इस तरह से उनकी यादें लेते हुए वो चल देता। जाते जाते वो बहुत जल्दी ही जो है हाईवे जो पड़ता है उसके टच में आ जाता है और हाईवे पे उसका ट्रक चलने लगता है। यही कोई 2-3 घंटे का सफ़र करने के बाद में जो है रास्ते में इसको आ जाती है झपकी, हरी को झपकी आ जाती है थोड़ी सी और उसका ट्रक लहराने लगता है। जब ट्रक लहराने लगता है दिल्ली के हाईवे पे, सुनसान एकदम वीराना, वैसे इतनी सर्दी हुई पड़ी है, कोहरा बरस रहा है, एकदम आगे दिखाई भी कम पड़ रहा है, इसलिए वो ट्रक थोड़ा धीमे धीमे चला रहा। तो झपकी आती ट्रक लहरा जाता है तो किशन जो होता है एकदम से भैया 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 क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो कहता हाँ भाई थोड़ा सा मुझे लगता झपकी आ गई, तो भैया नींद आ रही है तो ट्रक साइड में लगा लो और सो जाओ, तो फिर चलना, तो कहीं नहीं भी माल पहुंचाना है वहाँ जरूरी है, सेठ जी वहाँ रास्ता देख रहे होंगे और हम हमारे सेठ जी का मान नहीं घटाना चाहते, अगर उनका मान घट गया तो हम क्या फ़ायदा चलाने से। तो यार मरने से तो अच्छा है कि जो है ट्रक साइड में लगा लो, एक आध घंटे की नींद मार लो, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर कहता है फिर थोड़ा सा चलाता, फिर उसको झपकी, वो असल में उसके पास होता है छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल, वो किशन के पास, वो उस पर मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है, उसको नींद नहीं आती बट उसको नींद आ रही होती। तो वो कहता है तो ऐसा कर आगे चल के थोड़ा किसी ढाबे वाबे पे रोक और देखते हैं कोई चाय वाय की व्यवस्था हो या खाने की भूख लगी है तो थोड़ा सा खा भी अभी लेते हैं और फिर जो है चलते हैं। तो तब तक बच जाता है 3। चलते हैं ऐसे बातचीत करते करते थोड़ा रुकते चलते कहता कि
अब फिर चलाया उसमें थोड़ी दूर, करीब एक आध घंटा चलाया और देखा कि है ही नहीं है, और ढाबा यहाँ पे बिल्कुल भी 30-40 किलोमीटर तक कोई ढाबा ही नहीं है दिख रहा है, वहाँ तक चले गए। फिर वो क्या करता है, कहता है यार तो बहुत ही नींद आ रही है, अगर नहीं पहुँचे समय से, नींद भगाने का बस एक ही तरीका है कि थोड़ी सी चाय मिल जाए। तो कहता है चाय कैसे मिलेगी, यहाँ तो कुछ भी ना, इधर कुछ दिख रहा ना इधर दिख रहा, ट्रक चलती जा रही चलती जा रही। फिर क्या होता है रास्ते में, वो सोचता है कि किशन तेरे पास तो स्टोव और चाय पत्ती वगैरह सब तू रखता तो था, क्या तू लाया नहीं अपना थैला? तो कह रहा भाई मैं घर से सब लेके आया हूँ, है तो तुमने बताया नहीं। तो चलो चलो सर उसी को निकालो और चाय बना के पी जाए, फिर जा करके हम लोग आगे चले। खैर वो जो है क्लीनर जिधर से उतरते हैं उधर से वो कूद करके नीचे उतरता है क्लीनर, और आया क्लीनर जो है और उधर से वो उतर के आया, कह चलो भाई स्टोव जलाओ। स्टोव भी ऐसा उसमें तेल डलता था पहले, नहीं कहीं गैस वाला हो कैसा भी हो, स्टोव का तो नहीं पता, बस उसने स्टोव जलाया। बाहर स्टोव जलाया, बोतल से पानी उसने बोतल में रखा हुआ था थर्मस में, पानी डाला पतीले में और चीनी डाली, दूध भी उसने जो सूखा वाला अनिक स्प्रेकर दूध आता था अनिक वाला, उसने दूध निकाला और उसको जो है अच्छे से मिला के रखा और चाय पत्ती डालने को जैसे ही हुआ, जैसे ही चाय पत्ती डालने को वैसे ही देखा क्या, उधर से थोड़ा सा पहाड़ी जो था क्षेत्र वहाँ का कोहरा बरस रहा था, वहीं से कोहरे से एक बुढ़िया खटक टक लाठी करती हुई चली आ रही है, बोल रही चाय पत्ती मत डालना। और चाय पत्ती मत डालना ये क्या बात हुई, और तब तक जो है वो रास्ता देखते एकदम रुक जाते हैं, नहीं वहाँ डालते हैं, चुप बैठे। आई बुढ़िया पास में आ गई, कहती सुनो लड़कों जिसमें चाय पत्ती मत डालना। क्यों दादी क्यों नहीं डालेंगे, कि चाय पत्ती अगर डालोगे तो मेरी बहू को खुशबू अगर पहुंच जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी तो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं, समझ लो तुम। अब वो भाई सोचने लगते हैं छोड़ेगी नहीं मतलब क्या हुआ, दादी क्या तुम्हारी बहू कोई जानवर वानवर है क्या मुझे नहीं छोड़ेगी? तो वो फिर सोच लो जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, अगर वो यहाँ आ गई उसको चाय पत्ती की खुशबू, चाय इतनी पसंद है कि वो जो है अगर उसको खुशबू पहुंच गई तो फिर तुम्हारा तुम्हें जानो राम ही मालिक है जो भी हो जाए, ऐसे करके बात करती है। तो दोनों थोड़ा सा डरते हैं कि ऐसे क्या बात कर रही है। तो वो जो किशन होता वो तो चुपचाप दादी को देख रहा है, लेकिन जो हरी होता वो फिर उसको नहीं सब्र होता, वो पूछता है कि ऐसा क्या है दादी, चलो चाय उसको भी पिला देते हैं, इसमें क्या, हम दो कप बना रहे थे अभी हम तीन कप, उनको देख के तीन बनाते अभी हम चार बना देंगे, तो वो भी पी लेगी तुम्हारी बहू भी और आप भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, और हमको जाना है बाहर तो हमको तो वैसे भी नींद आ रही थी, ट्रक नहीं चलाते बन रहा था इसलिए हम चाय बना रहे थे। तो दादी मैं कहती अच्छा तो मेरे घर चलोगे? तो हरी कहता बिल्कुल चलेंगे चलो। तो हरी और किशन दोनों उसके साथ चल रहे थे, कहते चलो वहीं चाय बनाते हैं वहीं पीते हैं चल करके, सभी लोग पी लेंगे। अब बुढ़िया ठक ठक करती हुई लाठी चल देती है। तो बताते कि घर कहाँ पे दादी तुम्हारा? दादी कहती यहीं 10 कदम पे है चलो। तो भाई जाते हैं हरी जो है पहुंच जाते हैं घर पे, दोनों लोग अपना पतीला और स्टोव दबाए हुए हाथ में पकड़े यूं करके पहुंच जाते हैं वहां पे, चाय बनाने शुरू कर देते हैं। चाय क्या बनाते हैं, किशन चाय बनाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन हरी देखता है कि दादी तो ठीक ठाक दिख रही है बट उनकी जो बहू है वो बैठी हुई है पैर ऐसे लटकाए हुए, उसके पैर दोनों कटे हुए। अब वो जब ये देखता है तो सोचता है पैर कटे हुए, लेकिन जो वो बहू उनकी बैठी हुई थी वो दीवार की तरफ मुंह किए थे, उसने इस उधर को मुंह नहीं किया हुआ था। तो जो दादी होती है कहती तुम चाय बनाओ ये सब क्या देख रहे हो, वो चाय बनाता है, चाय बना के चारों कप में उड़ेल देता है, दो कप उसने पास में रखे और हरी जो है वो चाय का कप उनकी बहू को देने जाता, दादी को भी चाय पकड़ा देता। जब बहू को देने जाता है तो बहू ने पीछे से ही ऐसे कप पकड़ा और लिया गट, एक ही बार में गट गट के भी नहीं आवाज आई, सिप किया खत्म। अब वो हरी एकदम से परेशान होता, हरी ये तो इतनी गर्म चाय थी तुमने एक ही बार में कैसे, अगर जल गई तुम्हारे गले में अटक गई तब क्या होगा? तो वो कहती गले में अटक गई, ऐसे होने से नहीं हुआ तो अब क्या होगा। वो ऐसे पीछे पलटती तो देखता क्या है, वो पूरे का पूरा कंकाल, पूरा कंकाल, वो पीछे से चेहरा दिखा नहीं था ढका हुआ था, और जब वो देखता है ये कंकाल है, इतनी तेज से उसको दहशत हो जाती है कि दोनों ही भाग पड़ते, क्योंकि दोनों ने देखा चाय की ऐसी की तैसी, वो भाग पड़ते दोनों, भागते हैं जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो देखते क्या है, जो बहू और वो जो दादी थी दोनों ही सास बहू एकदम एक जैसे कोई जानवर भेड़िया टाइप का एकदम हमला करता दोनों पे, इतनी जोर से हमला करता है, उसका पैर उसका हाथ दोनों को पकड़ के दोनों झटकते हैं कसके इधर को, फिर वो हमला करते फिर झटकते हैं और भागते हुए चले आ रहे भागते 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 हाँ जाते हैं और एक जगह गिर पड़ते। हरी जो है बहुत तेजी से गिर जाता है और वो किशन है उसको भैया 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 उठो भैया क्या हुआ उठो, एकदम से ट्रक के पास देखता क्या है
कि हरी जो है पसीने से एकदम लथपथ, इतनी ठंड में वो पसीना पसीना हुआ पड़ा वही स्टोव के पास, और किशन उसको यूं थपथपा रहा कि भैया उठो भैया उठो, क्या हो गया आपको भैया? उठे भैया, भैया जब नींद से जागते उनको होश आता है तो कहता कहाँ गई, कहाँ गई वो दादी, वो बहू कहाँ गई, दादी वो बहू, उसके पैर कटे थे, वो कंकाल थी, वो ऐसे बड़बड़ा रहे बहुत तेजी से और थर 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 ऐसे कांप रहे। बहुत देर के बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए, झट से ऐसे पतीला वगैरह उठाया फेंका और बैठे फटाक से ट्रक में, और वही रात के 3:30 बजे इतनी स्पीड से ट्रक जो चलाया, सारी नींद उनकी हवा, वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, सीधे जा करके जहाँ उन्हें लोडिंग वो देनी थी खिलौने वाली, ठीक जा करके वहीं पे रुके और माल को उसको ट्रक को लोड करवाया, उसको सब उतरवाया, फटाफट वापस आए। उसी रोड से आनन फानन इतनी तेज स्पीड में गया है हरी कि किशन से रास्ते भर उसने चूचा कुछ भी नहीं किया, भूख प्यास सब गायब, और सीधा जा करके वापस वहीं सेठ जी की फैक्ट्री में पहुंचा। वहां पहुंच करके जैसे सेठ जी बाहर आए, बच्चों तुमने मेरी लाज रख ली और तुमने टाइम पे खिलौने की डिलीवरी कर दी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? इनाम की ऐसी की तैसी, दोनों के दोनों भाई, हरी तो इतना डरा हुआ था कि जा करके उनसे ऐसे लिपट जाता है सेठ जी से, तो सेठ जी उसको बहुत पुचकारते, कहते क्या हुआ हरी बेटा बताओ क्या हुआ? फिर वो बहुत गुस्से, जब उसको सहलाते थपथपाते हैं तब जाके वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, बैठता है जा करके सोफे पे बैठ जाता है। सेठ जी उसको बहुत प्यार से पोलाइटली पूछते, बच्चे बताओ आखिर क्या हुआ? तब वो बताता है कि सेठ जी रास्ते में जब हम वहाँ पे पहुँचे मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने इससे पूछा किशन से तुम्हारे पास स्टोव वगैरह तो था, थैला लेके गया था, तो ये कहने लगा ठीक है हम बना लेते हैं चाय। तो हम लोग नीचे उतर के आए और चाय बनाने लगे, चीनी और दूध मैंने डाल दिया था, पानी खोल रहा था, और जैसे ही चाय पत्ती की डिब्बी खोली और चाय की पत्ती डालने जा रहे थे, वैसे ही एक बूढ़ी दादी वहाँ पे आई और बस वहीं से लेकर के जितनी भी उसके साथ बुरी घटना हुई थी A to Z सब सेठ जी को बताया उसने। जब सेठ जी ने सारी बात सुनी तो कहा बेटा हाईवे पे अगर अकेले बिल्कुल अंधेरे में, ऊपर से कोहरा पड़ा हुआ, बर्फ भी गिर रही, इतनी सर्दी, और अकेले में वहाँ पे एक तो जंगली एरिया और इतने पेड़ पौधे, बहुत तेजी से वहाँ पे सर्दी भी हो रही है, तुमने वहाँ पे उतरने की सोची ही कैसे? और चाय में एक ऐसी खुशबू आती है कि एक तो वो जंगली इलाका, वहाँ कोई ना कोई इतने सारे मतलब एंटिटी घूमती रहती है, कोई ना कोई तो आकर्षित हो ही जाता है, और जब कोई आकर्षित होगा तो अपने माया जाल में तुमको लेगा, तो जो भी एंटिटी तुमसे आकर्षित हुई थी उस चाय की पत्ती से, तो बहुत ही भयानक चुड़ैल रही होगी, तभी तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा बीता। अगर वो इतनी भयानक ना होती तो तुम इतना परेशान नहीं होते। वो तो कहो किशन ने उस जो है कुछ सुना नहीं, और वो उसने वो जो दादी जो तुमको दिखाई पड़ी उसने तो अपने चाय बनाने में दिमाग लगाया और तुम जो है उससे बात करने लगे, जब बात करने लगे तो उसने तुम्हारे को जो है तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया और अपने माया जाल में उलझा लिया, और तुम उसी की माया में उसके साथ ही विचरण करने लगे, जो तुमने बताया कि तुम उसके साथ गए वहां तुमने ये देखा, तो ये सब उसका फैलाया हुआ माया जाल था जिसमें तुम उलझ गए, और वापस जब तुम आए, जब इसने तुमको लगा कि तुम भाग रहे हो, जो ये तुमको थपथपा रहा था, तो ये तुम्हें उस माया जाल से निकाल रहा था, अगर दो लोग नहीं होते तो तुम आज वापस यहाँ तक नहीं पहुँचते बेटा, समझ गए? तो कहने लगा हाँ सेठ जी यही बात रही होगी, वो तो शुक्र मानाओ कि अपने भाई को साथ मिल गए, कि हमेशा जहाँ भी कहीं जाते हैं चाहे ट्रक हो या कोई भी गाड़ी हो, देखिए दो लोग साथ में हमेशा ही जाते हैं ताकि एक से अगर कोई काम बिगड़ता है तो दूसरा उसको बना ले। तो सेठ जी मैं तो ये जीवन भर ये घटना नहीं भूलूंगा, आज मैं कैसे बच के आया हूँ, जो भी हो या आपका स्नेह हो या मेरे भाई का स्नेह हो, जिसका भी हो मैं बच के आ गया सही सलामत यहाँ पे सही से, तो ये बड़ा उपकार है हमारे भाई का हमारे ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों कहानी हमारी आज यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।